वो हक मेहर की बेस क्या है, उस बेस को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, मेहर की सूरतें क्या हैं, मेहर का हुक्म क्या है, जिसको हम इंग्लिश में डॉवर कहते हैं, इसको डीएफ मुल्ला ने एक्सप्लेन किया हुआ है मोहम्मद लॉ में, जो हमारे तमाम लॉ के स्टूडेंट्स और वकला इससे इस्तेफादा हासिल करते हैं, जो ग्रेजुएशन के दौरान और LLB के दौरान और उसके बाद आते हुए अपनी प्रैक्टिस के दौरान मोहम्मद लॉ को हम मुख्तलिफ मराहल में उससे इस्तेफादा करते हैं, और उसके चैप्टर्स जो शुरू होते हैं मैरिज डावर डाइवोर्स से। तो आज का जो चैप्टर है हमारा, वो सब्जेक्ट है, वो है डावर। कुरान और हदीस में और फिका की रोशनी में तमाम आइली कानून को जब मुरतब किया गया, तो उसमें निकाह के वक्त जो चीजें सामने रखी गई, जिन शराइत में, उन्हीं में एक शर्त जो है वो डावर भी है। अब वो डावर है क्या, उसे मेहर को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, मोहम्मद लॉ ने वो डिफिनेशन हमें क्या प्रोवाइड की हुई है। मेहर जिसका तायुन, जिसका इतलाक किसी भी निकाह और शादी के वक्त होता है, उस वक्त मेहर का तायुन किया जाता है, शादी से पहले, शादी के दरमियान में उसी वक्त या उसके बाद। ये वाइफ की एंटाइटलमेंट बनती है, बीवी का एक हक बनता है जो उसे उस निकाह के वक्त। मेहर की सूरत में जो हमें चीजें सामने आती हैं, वो मेहर की कई अकसाम हैं। जैसे मैंने आज के हमारे सब्जेक्ट का मेन टॉपिक का सब्जेक्ट और यही है कि मेहर की अकसाम कितनी हैं, टाइप्स ऑफ डावर्स कितने हैं। तो टाइप्स ऑफ डावर से पहले हम इस चीज का तयन करें कि डावर है क्या। हक मेहर जिसे कहा जाता है, ये किसकी इंटाइटलमेंट बनती है, किस वक्त इसका इतलाक होता है, और ये कब पेबल हो जाते हैं, और कौन इसका इंटाइटलमेंट बने। तो हक मेहर जिसको डिफाइन किया गया कि हक मेहर वो मेहर है, वो चीज है, वो एक काइंड ऑफ आर्टिकल्स हैं जिसको मनकूला या गैर मनकूला की शक्ल दी जा सकती है। मनकूला वो जो मूवेबल है, और गैर मनकूला वो जो कि इमूवेबल है, यानी उनको मुंतकिल नहीं किया जा सकता। जैसे प्रॉपर्टी की शक्ल हो जाती है, जायदाद की शक्ल हो जाती है, या रकम, नकद रकम की सूरत, या करेंसी की सूरत, या ज्वेलरी की सूरत में, या किसी और आर्टिकल की सूरत। तो मेहर जो है उसकी इंटाइटलमेंट बीवी की बनती है एट द टाइम ऑफ निकाह। अब निकाह के इवज, उस शादी के इवज, उस रिश्ते अज़दवाज के इवज, उस बीवी को, उस लड़की को, उस खातून को, उस औरत को जो शरीयत एक इवज दे रही है, वो है हक के महर। और उसको आप एक कर्ज का तयन करेंगे, उसकी शक्ल जो एक कर्ज है, जो सारी उम्र, सारी जिंदगी और जिंदगी के बाद भी वो बीवी का हक है। बीवी का हक कर्ज की सूरत में सबसे पहले। अब इसकी कंडीशंस क्या हैं, वो स्पेसिफाई है। स्पेसिफाई कैसे है, उसको आपने स्पेसिफिक करना है। पहले, सबसे पहले शादी से पहले उसका तयन करेंगे, या शादी के निकाह के वक्त उसका तयन करेंगे, या शादी के बाद भी कई सूरत हाल में उसका तयन किया जा सकता है, उसका फिक्स किया जा सकता है। और इसमें ये भी देखा गया है कि कई दफा उसमें इजाफा भी किया जा सकता है, मतलब जो तयन आपने किया निकाह के वक्त कि इसके इवज हक महर
जैसे हजरत मौलाए कायनात हजरत अली करम अल्लाह वजल करीम ने हजरत बीबी फातिमा तो जहरा सलामुल्लाह अलैहा से निकाह के वक्त हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला वसल्लम ने उनसे पूछा कि आपके पास हक मेहर देने के लिए कुछ है? तो उन्होंने कहा मेरे पास तो कुछ नहीं है। तो उन्होंने जर्रा और दूसरी जो चीजें उनके पास थी उनकी फरोख्त का हुक्म दिया, वो फरोख्त के लिए गए। फिर हजरत उस्मान गनी हजरत उमर फारूक अगर मैं गलत ना हूँ तो उन्होंने दोबारा खरीद करके वो हजरत अली करम अल्लाह वजह करीम को हदिया किया। उन्हीं पैसों से उन्हीं रकम से हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला वसल्लम ने हजरत बीबी फातिमा तो जहरा सलामुल्लाह अलैहा के लिए वो चीजें तकिया और दूसरी मश और आटे की चक्की खरीदी। तो ये वो हक मेहर है जो हर खावन को बवक्त निकाह शादी के वक्त वो देना। अब उसको स्पेसिफाई करना है। अब स्पेसिफाई क्या करना है कि वो जिस वक्त निकाह किया जाता है एक लड़के और लड़की का, उस निकाह के वक्त उस हक मेहर का तय करना है उस लड़के की माली हैसियत के मुताबिक। अब वो माली हैसियत क्या है, वो कैसे देखेंगे? वो हर एक बंदे के ऊपर अपनी अलग-अलग कंडीशन रख दी गई है। उसका तय आपस में एक मुआहदा करने वाले लोग देखेंगे। अब वालिद जो है, लड़की का वालिद अगर वो बालिग है तब भी, नाबालिग है तब भी, उसकी जिम्मेदारी बन जाती है कि वो अपनी बेटी किसी के निकाह में दे रहा है, तो उसके हक महर का तय वो खुद भी कर सकता है और उसकी बेटी जिसके निकाह में जा रही है वो खुद भी कर सकता है। अगर वो बच्ची या वो बच्चा जिनका निकाह मकसूद है और दोनों एक रिश्ते अजदवाज में बनने के लिए जा रहे हैं, उनमें से अगर कोई नाम बालिग है, वो बलूगत की उम्र को नहीं पहुंचा, तो शरीयत हुक्म देती है कि उसका वली भी उसका तयन कर सकता है। अभी यहाँ पे इस जिमन ये बात सामने रखनी चाहिए कि हमारी आला अदलिया और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बहुत सारे फैसले सादर कर चुकी है वक्तन फवक्तन मराहिल व हालात वाकयात के मुताबिक, कि उनको देखते हुए आया एक नाबालिग का निकाह जो है वो शरण तो है, जायज है वली के जरिए, लेकिन आया उसकी कानूनी हैसियत क्या है? उस कानूनी हैसियत को देखते हुए हमारी आला अदालतों ने बशमूल सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तलिफ मराहिल के ऊपर मुख्तलिफ हालात वाकयात के मुताबिक उनके फैसले दिए जो हमारे सामने, जो हमारे लिए नजायर भी हैं और प्रेसिडेंट भी। अब मेहर की कंडीशंस जब हम देखते हैं, जिनकी टाइप्स ऑफ मेहर देखते हैं, तो पहला आता है प्रॉपर, जिसको उर्दू में या अरेबिक में मेहर मिसल कहा जाता है। मेहर मिसल वो मिसल मेहर है, मेहर की वो किस्म है कि अगर दोनों फरीकें आपस में किसी मेहर के का तायुन ना कर सके, अगर वो मेहर का तायुन नहीं कर सके तो फिर बाद में उनके लिए मेहर मिसल का हुक्म है। मेहर मिसल कैसे? कि जिसकी मुमासिलत दी जा सके। मिसाल के तौर पे किससे मुमासिलत देंगे? मुमासिलत इससे देखेंगे कि वो लड़की के वालिदैन के खानदान में, लड़की के वालिदैन के खानदान में उसकी बहनों का क्या हक मेहर मुकरर किया, उसका तायुन कैसे किया गया। वही मेहर जो है वो इस बच्ची को, इस लड़की को बवक्त निकाह अगर नहीं लिखा गया तो उसको उससे मुराद ली जाएगी कि मेहर मिसल वही मिसल है, मेहर है जो इसकी पुफियों को, इसके वालिद की हमशीरागान अगर बहनें हैं या अगर नहीं है तो उनकी चचाजात बहनें और उनकी तरफ के, यानी लड़की के वालिद की तरफ से जो मेहर मुकरर हुआ था उनके खानदान में, उसको यहाँ पे भी फिक्स किया जाएगा अगर बवक्त निकाह वो मेहर मुकरर नहीं किया जा सके। दूसरे मेहर की किस्म है जिसको हम प्रॉम्प्ट कहते हैं, प्रॉम्प्ट डावर, जिसमें बात आती है कि मुअज्जल, मीम एंड जीम लाम, जिसको हम प्रॉम्प्ट डावर कहते हैं, जिसको उर्दू में या अरेबिक में मुअज्जल कहते हैं, मीम एंड जीम लाम के साथ। इसमें अगर आम फहम बंदे के लिए अगर बात की जाए तो इससे मुराद उजलत है,
यानी जल्दी, यानी वो जो बवक्त निकाह खावंद अपनी बीवी को देगा, चाहे वो करेंसी की सूरत में है, चाहे जेवरात तिलाई की सूरत में है, किसी और सूरत में है, जायदाद की सूरत में है, उसको बवक्ते निकाह वो हाजिर करेगा, उसको निकाहनामे में मौजूद लिखा जाएगा, या हाजिर लिखा जाएगा या मुअज्जल लिखा जाएगा। ये वो दूसरी किस्म है। पहली किस्म में तो मेहर का तयन नहीं किया जा सका, उसको प्रॉपर डावर कहा जाएगा। अगर डावर का तयन बवक्ते निकाह या निकाह से पहले या निकाह के बाद नहीं हो सका तो उसको प्रॉपर डावर कह के वो महरे मिसल बन जाए। लेकिन अगर वो महरे मिसल नहीं है तो फिर दो शराइत आ जाती हैं, या तो वो प्रॉम्प्ट होगा या डेफर्ड होगा। प्रॉम्प्ट वो जो मुअज्जल है, मीम एंड जीम लाम के साथ लिखने में, और डेफर्ड डावर्ड वो है जिसको मुअज्जल कहते हैं, मीम वाव जीम लाम, मतलब लिखने में मीम वाव जीम लाम के साथ लिखा जाता है, जिसको मुअज्जल कहते हैं और अंग्रेजी में उसे कहते हैं डेफर्ड डावर्ड। अब प्रॉम्प्ट डावर क्या है और डेफर्ड डावर क्या है? प्रॉम्प्ट वो डावर है जो कि बवक्त निकाह आप उसकी अदायगी के पाबंद हो जाते हैं, और डेफर्ड डावर वो है जिसको आप मुतालबे पर अदा करेंगे जब बीवी उसके डिमांड करेगी। अगर उसमें लिखा हुआ है कि आधा मुअज्जल है और आधा गैर मुअज्जल, गैर मुअज्जल का लफ्ज भी इस्तेमाल किया जाता है और मुअज्जल का इस लफ्ज भी इस्तेमाल किया जाता है, इसमें यहाँ पे एक तीसरी कंडीशन भी आती है जिसको कहते हैं कि इंदल तलब, यानी ऑन डिमांड, यानी अगर वो मुअज्जल भी नहीं है, मुअज्जल भी नहीं है और प्रॉपर भी नहीं है, तो वो फिर लिख दिया जाएगा कि इंदल तलब। तयन कर लिया गया, बवक्त निकाह ये नहीं दिया गया, और जब बीवी डिमांड करेगी तो दोनों शराइत में जहां पे निकाह की तारीख लिखी जाती है निकाहनामे में, उससे नीचे जो है वो हक मेहर का तयन किया जाता है, फिर उससे निचले वाले कॉलम में लिखा जाता है कि आया इसमें से कितना अदा हो गया और कितना बकाया है, फिर उससे नीचे वाले कॉलम्स में उसकी सराहत आ जाती है, फिर उससे नीचे वाले कॉलम में लिखा जाता है कि इन दोनों ऊपर वाले कॉलम्स की इवज अगर कोई जायदाद दी गई है तो उसका सराहतन जिक्र आ जाता है। तो बाज दफा ऐसा होता है कि निकालनामे में आपने पूरे हक महर का तय्यन कर दिया कि 10 लाख रुपए नक और 10 तोले जेवरात तिलाई, नीचे आपने लिख दिया जी कि हमने 1 दनाल का रकबा या जरई अराजी या कमर्शल या रिहायशी मकान जिसकी हदूदात मेंशन करके आपने नीचे बता दिया, फिर इसके इवज आपने लिख दिया कि भाई वो चीजें मैं इनके इवज दे रहा हूँ। इसके ऊपर पहले कुछ जजमेंट्स आई थी कि जिनमें ये कहा गया कि ऊपर वाले कॉलम में जो हक मेहर का तायुन किया गया और जो हक मेहर लिखा गया है, अगर नीचे उसकी किसी जायदाद का जिक्र कर दिया जाए तो वो लिखा होता है कि उनके इवज या वो या वो। लेकिन इसके ऊपर अभी जो हालिया जजमेंट्स और फैसला जाते हैं आला अदलिया के, उसमें उन्होंने कहा कि नहीं, दोनों शामिल हैं। तो महरे मुअज्जल मुअज्जल, अब प्रॉम डावर जो है वो तो बवक्ते निकाह की बात आ गई, निकाह के वक्त, रुखसती के वक्त, बिफोर कंज्यूमेशन यानी खलवत सहिया या कंज्यूमेशन, उससे पहले आपने उसकी अदायगी करनी। और डेफर्ड डावर, अब इसके लिए भी अल्हम्दुलिल्लाह मोहम्मडन लॉ भी क्लियर है और पाकिस्तान की आला अदलिया की जजमेंट्स भी क्लियर है। वो कैसे क्लियर हैं? वो ये कहती हैं कि डेफर्ड डावर जो है जिसको हम मेहरे मुवज्जल कहते हैं वो पेबल कब होगा? वो पेबल होगा या तो तलाक पे या खावन की वफा, या तलाक की सूरत में या खावन की वफात की सूरत में, या तीसरी कंडीशन उसमें तब आएगी जब खातून उसका मुतालबा करेगी, डिमांड करेगी कि मुझे ये हक मेहर अदा किया जाए। अब इन सूरतों में ये देखना पड़ता है कि आया वो डावर जो है वो पेबल कब होगा। अब इसमें देखें डिमांड है, कंफर्म कैसे होगा? डावर जो है
चाहे वो प्रॉम्प्ट है कि डेफर है कि महरे मिसल है प्रॉपर डावर है, अब वो कैसे कंफर्म हो जाएगा एक खातून की इंटाइटलमेंट कैसे बनेगी। अब कांट इंटाइटलमेंट के लिए जो कंडीशन है वो पहली है कि जी कंज्यूमेशन, मियाँ बीवी का आपस में अजदवाजी ताल्लुक कायम हो जाना, तो वो प्रॉम डावर और उसके बाद मेहरी मिसल या जो भी मेहर की रकम या कोई तायुन किया गया है वो कंफर्म हो गया और बीवी उसका मुतालबा कर सकती है। दूसरी कंडीशन है अगर कंज्यूमेशन नहीं हुआ, अजदवाजी ताल्लुक मियाँ बीवी के दरमियान मर्द औरत का कायम नहीं हुआ, तो दूसरी कंडीशन जिसमें उसकी इंटाइटलमेंट बनेगी वो शरई तौर पर खलवते सहीहा, मियाँ बीवी का खलवत में एक दूसरे के साथ मिल बैठना। अब इसमें कंज्यूमेशन शर्त नहीं है, अलहदगी में तन्हाई में मियाँ बीवी का अलहदा होके बैठ जाना ये खलवते सहीहा है। दूसरी चीज ये है दूसरी चीज ऐसी है कि अब देखना पड़ता है कि डेफर डावर की क्या सिचुएशन बनी। अब डेफर डावर तीसरी शर्त जो है उनमें से कोई भी फोर्थ हो जाए, मियाँ बीवी के दोनों में से किसी की वफात पे वो डावर जो है पेबल हो जाए, हस्बैंड फोर्थ हो गया या बीवी फोर्थ हो गई, हस्बैंड फोर्थ हो गया तो बीवी की इंटाइटलमेंट बन जाएगी, अब बीवी फोर्थ हो गई तो उसकी वरसा की इंटाइटलमेंट बनती है। अब बीवी के पास ये हक है शायद आवाज पूरी क्लियर नहीं थी, मैं बात कर रहा था कि इंटाइटलमेंट कब बनेगी। बीवी के इंटाइटलमेंट वफात पे खावन की वफात पे डेफर डावर की या तलाक की सूरत में उसकी बन गई। अब दूसरी सूरत में अब क्या बीवी के पास ये हक हासिल है कि वो हक मेहर के किसी हिस्से को या हक मेहर के कुल हिस्से को वो माफ कर दे। बिल्कुल मोहम्मद लॉ भी और हमारी शरिया भी और हमारी हाई कोर्ट की जजमेंट और फैसला जात भी इस बात की पूरी तरह फैसले सादर कर चुके हैं कि अगर बीवी चाहे तो ये उसका अपना राइट है कि वो हक मेहर कुल या उसका कोई जुज निकाह के बाद रुखसती के बाद कंजुमेशन के बाद खलवते सहिया के बाद वो माफ कर दे खामन को, तो वो माफ करने का हक रखती है। अब देखना ये पड़ेगा कि बीवी जो हक मेहर ले रही है और जो डिमांड कर रही है वो हक मेहर की क्या सूरत बनती है, मतलब वो कम डिमांड करेगी, उसकी इंटाइटलमेंट कब बनेगी, वो किस वक्त इस चीज को सामने लेके आएगी कि जी ये डावर मुझे दिया जाए। तो उसके लिए अक्सर हमारे मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961-64 रूल्स में भी बात आ जाती है कि वो सूट करेगी दावा करेगी हक मेहर दिला पाना दिला पाने हक मेहर का दावा वो करेगी। अब वो दिला पाने हक मेहर का दावा वो किस सूरत में करेगी, उसके ऊपर क्या चीजें बाइंडिंग हैं, उसकी क्या क्राइटेरिया है, उसकी क्या लिमिटेशन है। आर्टिकल 103 और 104 लिमिटेशन एक्ट, इस सिलसिले में लिमिटेशन जो प्रोवाइड कर रहा है वो 3 इयर्स लिमिटेशन प्रोवाइड कर। अब वो लिमिटेशन कहाँ से स्टार्ट होगी, उसका आगाज कब से होगा, इसको बिनाए दावा जैसे हम वकला मुख्तलिफ दावाजात
मुरतब करने के लिए कोर्ट के सामने एक बात रखते हैं कि हमें बिनाए दावा यानी कॉज ऑफ एक्शन कब हासिल हुई। तो उस सिलसिले में वो कॉज ऑफ एक्शन, वो बिनाए दावा उसको उस वक्त हासिल होगी जब उसे रिफ्यूज किया जाएगा, उसके मुतालबे से इनकार किया जाएगा, या वो जब मुतालबा करेगी उससे वो 3 ईयर्स की लिमिटेशन शुरू होती है। तो बाज औकात ऐसा होता है कि बीवी दौरान रिहाइश अपने खावन के साथ भी इसका मुतालबा करती है, बाज दफा ऐसा होता है कि वो तलाक के बाद मुतालबा करती है, बाज दफा ऐसा होता है कि वो वफात के बाद मुतालबा करती है। तो जिस वक्त भी वो मुतालबा करेगी वो हक में है, उसके इंटाइटलमेंट जाएगा। फिर उसमें जवाब में मुद्दालह जिस पे दावा किया जाता है, आया वो मुद्दालह खुद ही खावन है उसका, या उसके वरसा हैं, या उसके वालिदैन हैं, वालिदैन भी वरसा में आते हैं और बच्चे भी, तो आया वो फिर डिफेंड लेंगे कि नहीं ये मुतालबा जो है हमारी खावन की जिंदगी में किया गया था और उस वक्त इस चीज को सेटिस्फाई हो चुका है या एडजस्ट हो चुका है। उसके ऊपर फिर कोर्ट डिसाइड करती है कि वो मुतालबा जो है आया विद इन द स्पेसिफाइड टाइम है कि नहीं, आया लिमिटेशन से बाहर तो नहीं कर रही। देखिए आइनी मुकदमात जो हैं जिनमें वो औरत या मर्द जो मुकदमात दायर करता है फैमिली कोर्ट में, उसके लिए हक महर, नान नफका, तनसीख निकाह, खुला कस्टडी और जैक्टिटेशन ऑफ मैरिज, ये तमाम रास्ते उसके लिए हैं एक खातून के लिए कि वो हक महर का मुतालबा करती है, नान नफके का, खर्चे का मुतालबा करती है, दावा करती है, या वो तनसीख निकाह का करती है, या खुला का करती है, या कस्टडी माइनर्स की वो लेना चाहती है। तो एक चीज जहन में रखें मेरे सुनने वाले, अक्सर इस बात पे बात होती है और मुख्तलिफ आरा में बात की जाती है, और इसके ऊपर बहुत सारे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसलाजात में जाहिर मौजूद हैं जिनको हम प्रेसिडेंट कहते हैं। ज्यूरिसडिक्शन क्या हो, इख्तियार समाअत किस अदालत के पास है, एक है प्रिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन, इख्तियार समाअत यानी वो पैसों की बाबत, एक है इख्तियार समाअत टेरिटोरियल यानी इलाकाई हदूद की बाबत कि भाई औरत जो है वो आएगी तो वो केस कहाँ फाइल करेगी, चाहे उसने हक महर का केस फाइल करना है, चाहे उसने नान नफके का करना है, चाहे उसने खुला का करना है, या चाहे तनसीख निकाह करना है। अक्सर बिला पाने का केस जो है वो भी किया जाता है, तो उसके ऊपर पहला एतराज जो है वो जुरिस्डिक्शन का आ जाता है, केस का इख्तियार समाअत है या नहीं है। तो डावर के केसेस में जिसको उर्दू में दिला पाने और अंग्रेजी में रिकवरी के साथ लिखा जाए, रिकवरी ऑफ अमाउंट, रिकवरी ऑफ आर्टिकल्स, ज्वेलरी आर्टिकल्स, रिकवरी ऑफ प्रॉपर्टी, और उर्दू में लिखा जाएगा दिला पाने, तो वो केस वहीं पे किया जाएगा जहां पे वो खातून मुस्तकिल आर्जी तौर पर या वालदैन के हमरा या वो अपनी जॉब मुलाजमत कारोबार के हिसाब से वहां पे रह रही है। इसमें ये फोकियत नहीं दी जाती खावन को कि तुम जहां रह रहे हो या निकाह जहां पे हुआ है, औरत को ये प्रायोरिटी हासिल है, उसको एक फोकियत दी गई है, उसे एक ऑप्शन दिया गया है कि जहां पे तुम रह रही हो वहां पे भी केस फाइल किया जा सकता है, जहां पे निकाहनामा दर्ज और रजिस्टर्ड हुआ वहां पे भी केस फाइल किया जा सकता है, जहां पे तुम्हारे हस्बैंड रहता है तुम वहां पे भी केस फाइल कर सकते हो, जहां पे तुम आर्जी तौर पर अपने वालदेन के साथ रहती हो वहीं पे भी केस फाइल कर सकते हो, जहां पे तुम जॉब के तहत रहती हो वहां पे भी केस फाइल कर सकते हो। हस्बैंड इस पे एतराज नहीं कर सकता, हस्बैंड ये साबित करने की कोशिश करेगा कि जहां पे केस फाइल किया गया है वहां की अदालत को इसका इख्तियार समाअत इन वजूहात के बिना। तो दिला पाने में जो लिमिटेशन की बात की और सूट की बात की वहां पे ये भी जिमनन बता दिया
उसी अदालत को जुरिस्डिक्शन है जहां पर वो खातून रह रही हो। अगर हक मेहर की अदायगी नहीं होती, जैसे हक मेहर जो प्रॉपर है या प्रॉम्प्ट है या डेफर्ड, अब उस हक मेहर की अदायगी नहीं हुई, हस्बे वादा, हस्बे मुआहिदा, हस्बे निकानामा, निकानामे की शराइत की रूह से, वो काबीनामे की शराइत की रूह से, वो मेहरनामे की शराइत की रूह से, वो डावर डीड की शराइत की रूह से, चाहे वो मेहर निसल है, मेहर मुअज्जल है, मेहर मुअज्जल है, अगर उसकी अदायगी वक्त पर नहीं हुई तो औरत के पास क्या अख्तियार है? औरत के पास ये अख्तियार है कि वो रिफ्यूज करेगी कंसोलिएशन, वो अपना और खावन का अज़दवाजी ताल्लुक को रिफ्यूज करेगी। वो ये कहेगी कि भाई जब तक मुझे ये अदा नहीं किया जाता, मैं आपके साथ बहसियत बीवी आबाद होने को तैयार नहीं हूं, और उसकी इन वजूहात की बनाकर अदालत जो है फैमिली कोर्ट उसको तस्लीम करती है। और दूसरी बात यह है कि अगर वो इस चीज से इकरार कर ले और वो कंज्यूमेशन क्लोज पर तैयार हो जाए, तो बाज दफा ऐसा है कि वो हक मेहर का उसका हक जो है वेव हो जाता है। अब जैसे हमारी केसेस में ज्वाला दलिया में और जिनके ऊपर अभी तक फैसले नहीं आए, और जो फैसले आ चुके हैं, इसमें एक बड़ा ही टेक्निकल इशू है जो अभी तक वो हल नहीं हुआ। हम अपने मुकदमात को जब सामने रखते हैं उनके फैसलों को जो कि आला अदलिया ने और सुप्रीम कोर्ट ने फैसले किए हुए हैं, उसमें अगर, और ये एक बहुत बड़ा अलमिया है, इसके ऊपर कानून साजी की भी जरूरत है और उसके ऊपर जो है फरीकैन को भी बामी रजामंदी से कुछ चीज तय करने की जरूरत है, क्योंकि देखा ये गया है कि ये मामला जो है बवक्त निकाह ही हल किए जाते हैं और इनके ऊपर बात बवक्त निकाह ही की जाती है, और अगर की भी जाती है पहले या बाद में तो उसको जिमनन उसको इतनी अहमियत नहीं दी जाती, उनको इतनी प्रेफरेंस नहीं दी जाती। शादी के दूसरी जो रसूमात हैं उनको प्रेफरेंस दी जाती है और निकाह और मेहर के तयन को इतना इम्पोर्टेंट और जरूरी नहीं समझा जाता। तो वक्त के साथ साथ ये मरहले, ये मामला जो हैं वो तनाज़ात की शक्ल सूरत अख्तियार करते जा रहे हैं। जैसे कि बवक्त निकाह अगर हक मेहर लिख दिया गया, लेकिन अगर वो हाजिर लिखा है लेकिन हाजिर नहीं है, तो लड़की सारी उम्र जो है वो लड़ती रहती है कि भाई वो मुझे नहीं दिया गया, या बवक्ते शादी दे दिया गया, बवक्ते निकाह दे अदायगी कर दी गई रुखसती से पहले या बाद में उसे वापस दे दिया गया, तो वो फैमिली कोर्ट की जुरिस्डिक्शन से वो बात बाहर चली जाए। जैसे उन्होंने लिखा कि जी मुअज्जल मौजूद है, हाजिर है, लेकिन वो हाजिर नहीं था या था तो कम था, और अगर था भी तो वो चीज नहीं थी, या फिर उसी रात को या उस रुखसती से अगले दिन सास ने, हस्बैंड ने या किसी ने उससे वापस ले लिया, तो वो वापस लेने की वजह से वो पेड निकालनामे में लिखा गया तो वो पेड तसव्वुर होगा। अब इसके लिए अख्तियार समाज जो बन गया वो सिविल कोर्ट की तरफ चले जाते हैं कि फैमिली कोर्ट की जुरिस्डिक्शन खत्म हो गई, क्योंकि वो हाजिर लिखा गया, वो पेड लिखा गया, खातून ने उसके ऊपर साइन कर दिए मुअज्जल के ऊपर और मौजूद और हाजिर के ऊपर कि जी ये बवक्ते निकाह हाजिर है, उसके बाद उससे छीन लिया गया, उससे ले लिया गया, धोखे से ले लिया गया, प्यार मोहब्बत से ले लिया गया, कहीं पे रखने के लिए ले लिया गया, तो वो हमारी आला अदलिया के फैसलों की रोशनी में वो पेड़ तसव्वुर हो। अब इसमें दूसरी अपहरण शर्त जो है वो ये है कि जो इंजल तलब लिखा गया था वो प्रॉम्प्ट के अलावा या डेफर्ड लिखा गया था, जैसे मुवज्जल लिखा गया था, और वो खावन ने बाद अज निकाह या रुखसती किसी वक्त भी वो अदा कर दिया गया,
तो उस वक्त वो उस अदायगी की बाबत लड़की से, बीवी से कोई सिग्नेचर नहीं लिया जाता। जब वो सिग्नेचर नहीं होता, वो कोई उसके ऊपर प्रूफ नहीं दिया जाता और वो अदा हो जाता है, और कल को अगर वो बीवी किसी भी फैमिली केस में चली जाती है और अपने दिलापाने हक मेहर का दावा करती है, तो वो उस अदाशुदा से वो इनकारी होके कहती है जी मुझे नहीं मिला, तो अदालत भी उसके कहने पे जाती है, क्योंकि उनके पास कोई सबूत नहीं होता। अब सबूत साबित करने के लिए उनको शहादतें पेश करनी पड़ती हैं। तो यहाँ पे मुअज्जल और मुवज्जल के दरमियान जो इंदल तलब ऑन डिमांड लिखी जाती है, उसको देखने के लिए बहुत जरूरी है कि आपस में बराबरी की सतह पे तयन किया जाए कि कौन सा महर जो है मुअज्जल है और कौन सा मुवज्जल है और कौन सा इंदल तलब है। और इंदल तलब पे बीवी जब रिसीव करे तो हस्बैंड उससे सिग्नेचर ले या किसी गवाह की मौजूदगी में वो डीड लिखी जाए जिसके ऊपर हाशिया गवाह हो। इसके ऊपर कानून साजी की भी जरूरत है, और इसके ऊपर जो आपस में मियाँ बीवी के दरमियान एक बाहमी रजामंदी, जैसे निकाह से पहले निकाहनामा जब लिखा जाता है तो इसके अलावा कुछ रजिस्टर्ड दस्तावेजात भी लिखी जाती हैं, या वो वसाइक नवीसी से किसी वसीता नवीस से कोई दस्तावेज बशक्ल काबीन नामा, बशक्ल मेहर नामा और बशक्ल दावत डीड वो लिखी जाती है, और वो शराइत जो निकाहनामे में शामिल होती हैं उनको रिप्रोड्यूस पहले से लिखा जाता है। बाज दफा ऐसा भी होता है कि मेहर की शक्ल में लड़के की वालदा या वालिद अपनी जायदाद गैर मनकूला इमोवेबल प्रॉपर्टी वो अपने बेटे को गिफ्ट करते हैं, हिबा करते हैं, तमलीक करते हैं, ताकि वो बावक्त निकाह उसे निकाहनामे में हक मेहर की सूरत में दे दे, तो वो उसकी मलकियत तसव्वुर। अब यहाँ पे ये भी देखने की जरूरत है कि आज तक इस पे काम नहीं हो सका, जहाँ पे भी मियाँ बीवी के दरमियान, दो खानदानों के दरमियान रिश्ता अज़दवाज बनाने के लिए बातचीत होती है, तो बात हक मेहर की आती है, तो हक मेहर में हर बंदा यही कहता है यानी उस दस्तावेज को जो कि दावत डीड काबीनामा या मेहर नामे की सूरत में हो वो रजिस्टर्ड हो, वो सब रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर्ड होनी चाहिए, वो कहीं और पर रजिस्टर्ड होनी चाहिए, ताकि मुझे अपनी बेटी की सिक्योरिटी के लिए वो उस चीज़ को मैं कंसिडर कर सकूँ। लेकिन जब कानून ये कहता है और हमारी आला अदलिया के नज़ारे कि जब निकाहनामा है और निकाहनामे में वो चीज़ सामने आ गई और वो निकाहनामा लिख दिया गया और वो यूनियन काउंसिल में रजिस्टर्ड हो गया, तो रजिस्टर्ड होने के बाद उसकी भी वही हैसियत है जो किसी और दस्तावेज की है, वो निकाहनामा रजिस्टर्ड है, उसकी वही हैसियत है जो किसी एक रजिस्टर्ड दस्तावेज की होगी, जैसे रेवेन्यू रिकॉर्ड में एक इंतकाल की हैसियत है, उसी तरह इसकी भी वही हैसियत है, क्योंकि ये यूनियन काउंसिल में जब रजिस्टर्ड हुआ। अब इसके ऊपर कानून साजी की जरूरत इसलिए है कि उस
जी माफी चाहता हूँ, शायद कनेक्शन की डिस्टरबेंस की वजह से बात जो है दरमियान में रह गई। क्योंकि निकानामे की बात हो रही थी, तो निकानामे की रजिस्ट्रेशन निकाह रजिस्ट्रार के जरिए यूनियन काउंसिल और नादरा में उसका इंद्राज किया जाता है। लेकिन देखा ये गया है कि नादरा में भी मैरिज सर्टिफिकेट जारी करती है, उसमें प्रॉपर्टी की कोई डिस्क्रिप्शन या कोई चीज भी हाथ में है या नाम नफका मेंशन नहीं की जाती। होना ये चाहिए कि जो प्रॉपर्टी बवक्त निकाह लड़की को खावन की जानिब से, ससुर की जानिब से, सास की जानिब से उस निकाहनामे में लिख के दी गई है, और उसके बाबत कोई दूसरी दस्तावेज नहीं तहरीर की गई परिजन के दरमियान, तो उस निकाहनामे की कापी रेवेन्यू रिकॉर्ड में और उस सब रजिस्ट्रार के इंदराज में अगर वो प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड शुदा है तो उसका जिक्र होना, वो इंदराज होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि लड़की निकाहनामे को लेकर बैठी रहती है जबकि खावन उसका ससुर और उसकी सास वो प्रॉपर्टी वो जायदाद वो मुंतकिल कर देते हैं, वो फरोख कर देते हैं, उस वजह से बाद में बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है। और अदालतें जो हैं वो साला साल इन मुकदमात को चलाने के बाद बगैर फैसला किए कोई किसी नतीजे पर पहुंचे बगैर फैसला हक मेहर वो प्रॉपर्टी बीच में जा चुकी होती है, फिर उसके बाद वो सिविल कोर्ट में केस फाइल किया जाता है। अब देखना ये है जी कि हक मेहर की हैसियत शादी के वक्त तो ये हो गई, मियाँ बीवी की जिंदगी में तो ये हो गई, मियाँ बीवी की जिंदगी में हक मेहर जो है वो बीवी की इंटाइटलमेंट है, उस खातून की उस बच्ची की इंटाइटलमेंट जिसको बवक्त निकाह लिख कर दी गई, चाहे वो मेहर मिसल है, वो प्रॉम डावर है या डेफर डावर है, तीनों में से कोई किस्म है। लेकिन अगर उसके बाद खावन की वफात हो जाती है तो इसमें ये तो देखा जाएगा कि गैर मनकूरा जायदाद जो कि बशर्ते दस्तावेज या बजरिया निकाहनामा बीवी को दे दी गई और बीवी इन पोजिशन है उस प्रॉपर्टी, वो ना सिर्फ उसकी मलकियत है बल्कि उसके जेर तसरुफ वो इस्तेमाल है और जेर कब्जा है, मतलब उसकी पास भी मौजूद है, वो इस्तेमाल भी कर रही है और उसके फ्रूट्स भी हासिल कर रही है, तो वो तो उसकी मलकियत तसव्वुर होंगे। इसके अलावा वो प्रॉपर्टी जो कि खावन की रह गई उसकी वफात के बाद तो वो तरके में शुमार होती है। अब तरके को देखने के लिए शरीयत, मोहम्मडन लॉ और हमारी अदालतों के फैसला जात जब उनको हम देखते हैं तो हमें एक बात समझ आती है कि किसी शोह बंदे की वफात के बाद अगर उसके वरासा में जविल फरूज भी हैं, असबात भी हैं, जविल अरहाम भी हैं, शेयरर्स भी हैं, रेजिडरीज भी हैं और डिस्टेंट किंडर्स भी हैं, तो पहले किस कैटेगरी को देखा जाएगा? उससे पहले किसी भी विरासत की तरके की तकसीम से पहले जो उस बीवी का हक है जिसको कर्ज, जैसे मैंने लेक्चर के स्टार्ट में ये बात की शुरू में कि डावर जो है वो एक कर्ज है जो खावन ने अदा करना है और बीवी ने उसे लेना है, बीवी को अगर मिल जाता है तो ठीक है, नहीं मिलता तो उसका मुतालबा करेगी, पर अगर डावर डेफर्ड लिखा हुआ है या फिर वो नहीं दिया जा सका अपनी जिंदगी में तो पहले जो है उस चीज का आप तयन करेंगे कि उसके तरके से मतरूका जायदाद में से जो कि उसकी प्रॉपर्टी है चाहे वो मनकूला है या गैर मनकूला उसमें से आप जो है पहले हक महर का तयन करें। बीवी का हक मेहर जो बकाया है वो कर्ज की हैसियत रखता है, उस कर्ज को मुतवफी के तरके से पहले आप अलहदा करेंगे, तजहीज व तकफीन के बाद दूसरे कर्ज डेप्ट के साथ इसको भी डेप्ट शुमार। अब वो डेप्ट क्या होगा? वो
वो पहले आपने उस चीज को अलहदा करना है, फिर उसके बाद इसका तरके में बहसियत शेरर, बहसियत जवेल फरूज 1/8 हिस्सा बच्चों की सूरत में और बच्चों की गैर मौजूदगी में 1/4 हिस्सा इसे दिया जाएगा। तो 1/8 हिस्से का तायुन जो है वो आप पहले ही करेंगे, उससे पहले आप हक महर का तायुन करेंगे। हक महर उसकी जायदाद से आप निकालेंगे, फिर उसके बाद बच जाने वाली जायदाद जो है वो आपने जो है वो तकसीम करनी है। तकसीम में पहले 1/8 हिस्सा मुतवफ़ी के तरके में से निकालना है। उस तरके में से निकालने के बाद फिर वो प्रॉपर्टी जो है बाकी वरसा में असबात में और डिस्टेंट फिंडर्स में वो तकसीम की जाएगी। अब यहाँ पे ऐसा भी देखा गया है कि बाज जायदाद जो दी जाती है वो बवक्त के शादी निकाह वो दस्तावेजात की जाती है, वो रजिस्टर्ड दस्तावेजात होती है, यानी उनका रेवेन्यू रिकॉर्ड में इंदराज होता है। जब रेवेन्यू रिकॉर्ड में उनका इंदराज होता है तो वो प्रॉपर्टियां उस तरके में से पहले अलहदा कर दी जाएंगी, वो फिर उसके बाद वरासा में उसकी तकसीम की जाएगी। तो ये जो है आज हमारे एक छोटे से टॉपिक डावर के ऊपर हमने बात की, डावर यानी हक मेहर, मेहर की टाइप्स ऑफ मेहर को हमने देखा, टाइप्स ऑफ मेहर मोहम्मद अल्लाह की रूह से क्या हैं और डावर की कितनी किस्में और किस वक्त वो पेबल हो जाता है, किस वक्त वो दिया जाता है, किन किन सूरतों में दिया जाएगा, किन किन सूरतों में नहीं दिया जाएगा, खवातीन किन सूरतों में उसका मुतालबा कर सकती हैं, उनकी इंटाइटलमेंट किन सूरतों में बन सकती है, डावर की शक्लें कितनी होंगी, और टाइप्स ऑफ डावर तो हैं मनकूला और गैर मनकूला, जिसको मोएबल और इमोएबल नकद रकम की सूरत में, जेवरात की सूरत में, वो जायदाद ज़रई अराजी कमर्शियल रिहायशी की सूरत में आम दे सकती है, उसका तकरार पहले भी हो सकता है, उसी वक्त भी हो सकता है और उससे बाद भी हो सकता है। तो जितने हमारे लॉ से रिलेटेड कानून के तुलबा और वकला हैं जो अभी प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहे हैं या जिनकी प्रैक्टिस चल रही है, मुस्लिम फैमिली लॉज के नीचे मैरिज के साथ साथ जो चैप्टर जुड़ा हुआ है वो है डावर। इसके बाद आता है फिर मेंटेनेंस, नानो नफका। अब वो नानो नफका जो है उसको भी इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी लेक्चर में हम आपको डिफाइन करेंगे और उसकी बताएंगे कि नानो नफका तो पाकिस्तान में क्या कहा जाता है, उसके लिए हिंदुस्तान में क्या लफ्ज इस्तेमाल होते हैं और अफगानिस्तान में क्या, जैसे हम मंथली पेमेंट कहते हैं उसको माहवार खर्चा भी कहते हैं, हिंदुस्तान में पहले वो खर्चा पानदान कहा जाता था, अफगानिस्तान में उसको मेवाखोरी भी कहते हैं। तो ये दूसरी कंडीशन आती है और उसमें अब निकाह, फिर उसके बाद डावर का तायन, अभी उसके बाद नेक्स्ट इंशाल्लाह जब टाइम मिला, क्योंकि कल का लेक्चर जो है मेरा वो डाइवोर्स और डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज पे है, इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि पूरी तरीके से समझा पाऊँ, और अगर कोई सवाल हो तो मेरे नंबर पे मुझसे पूछे भी जा सकती हैं और इससे भी पूछे जा सकती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया सुनने का और मुझे तो मौका बोलने का मिला और आपको सुनने का मौका मिला, और अल्लाह तबारक तआला से कहीं से नहीं कभी मौका दिया। दूसरी बात यह है कि मैं अपने आखिर में जाते हुए एक बात कहूँगा, वो ज़रूरी बात है कि जब हमने प्रैक्टिस स्टार्ट की, जब हमने फिर हाँ सवाल आ गया तो मैं सवाल पहले ले लेता हूँ खुला की सूरत में, बिल्कुल अच्छा सवाल है। खुला एक टाइप ऑफ डाइवोर्स है जिसमें बीवी बीवी का हक होता है कि वो किसी भी सूरत में शरई तौर पे, तो हमारी फैमिली कोर्ट्स की खुला को जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा, लेकिन हमारी अदालतें और काजी फैमिली जज
खुला ग्रांड कर रहे हैं या खुला की सूरत में बीवी जो है वो हक मेहर वापस करेगी, चाहे वो मनकूला की सूरत में या गैर मनकूला सूरत में है। और यहाँ पे एक लफ्ज इस्तेमाल किया गया है शरई तौर पे कि भाई खावन को चाहिए कि वो एहसान करे। तो एहसान से मतलब क्यों कि एक औरत जो है आपके साथ रही और उसने आपके साथ कुछ गुजारा, तो आपका उसका एहसान ये है कि उसको आप कुछ ना कुछ छोड़ दें, उसमें उससे पूरा वापस न लें। अब यहाँ पे एक और बात, जो बाज़ शादियां और निकाह जो होती हैं उनमें कंजुमेशन या खलवत सहिया नहीं होती, रुख्सती से पहले तलाक हो जाती है या खावन की डेथ हो जाती है, उस सूरत में भी वो हक मेहर जो है वो आधा है। उस सूरत में हक मेहर का मुतालबा जो है या उसकी हकदारी वो आधी बनती है। हाँ, अलबत्ता इद्दत जो है वो उसके ऊपर नहीं है। तो इस सूरत में वो चूंकि ना खलवत सहिया हुई ना रुख्सती हुई, या तो खावन की डेथ हो गई या फिर उसने तलाक दे दी, तो उस सूरत में वो हक मेहर जो है आधा अदा करेगा या वो आधा आधा का मुतालबा करेगी। और अलबत्ता उसके ऊपर इद्दत का नहीं है, वो इद्दत उसकी नहीं होगी, बगैर इद्दत के वो दूसरी निकाह कहीं पे भी करने की हकदार है, तो उसको शरीयत ने इजाजत दी है। हाँ, हक मेहर की सूरत में जो है, हक मेहर खुला की सूरत में जब वो वापस करेगी तो वो सारी चीजें वापस करेगी, लेकिन तनसीख निकाह या तलाक की सूरत में उसकी कंप्लीट इंटैचमेंट। यहाँ पे जो जिन में बात कर रहा था अपने वकला भाइयों के साथ, देखिए हमारा अल्लाह तबारक ताला ने हमें एक बेहतरीन प्रोफेशन दिया, वो प्रोफेशन है वकील का, जो कि अल्लाह तबारक ताला की सिफात है, जाती सिफात। हम अगर वकील हैं तो हम अताई हैं, अल्लाह हमें एक कुदरत दी है, एक ताकत दी है। केसेस में कोशिश ये किया करें कि भाई इनके दरमियान मत दें हमेशा, मैं तो एडवाइस भी करता हूँ और इस बात में जो खुदा ना खास्ता किसी प्लेयर की या ऐसी चीजें अदालतों में नहीं आनी चाहिए, इसमें दर्ज करना चाहिए, अपने मुवक्किलीन को कोशिश ये करनी चाहिए कि पैकेज का रास्ता निकले। और बाकी दोनों फरीकैन जो हैं वो सारी उम्र लड़ते रहते हैं, हमारी निज़ाम सिस्टम ऐसा है। तो अल्लाह तबारक ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारा निज़ाम की तौफीक दे और कुदरत दे कि हमारे हाथों से अच्छे काम हो सके। अस्सलाम वालेकुम।